नमस्कार। हमारी आधुनिक दिनचर्या में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि हमें किस बीमारी की ओर ले जा रही हैं। आज के दौर में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को अगर हो जाती है तो उसका बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के जो कैंसर होते हैं उसमें लोगों को बचा पाना काफ़ी हद तक संभव है, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के होने वाले ट्यूमर या कैंसर को पेशेंट को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कैंसर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। मस्तिष्क का कैंसर क्या है? मस्तिष्क कैंसर तब होता है जब कैंसर की कोशिकाएं विकसित होकर एक मांस का निर्माण करती हैं। यह मांसपेशियां नियंत्रण संवेदना याददाश्त तथा अन्य सामान्य शारीरिक गतिविधियाँ जैसे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करता है। कैंसर की कोशिकाओं से निर्मित होने वाले ट्यूमर्स मेलाइनेंट ट्यूमर्स कहलाते हैं तथा जो गैर कैंसर कोशिकाओं से निर्मित होते हैं वे बेनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं। जो कैंसर कोशिकाएं मस्तिष्क के ऊतकों से विकसित होती हैं वे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स कहलाती हैं, जबकि जो ट्यूमर्स शरीर के अन्य हिस्सों से विकसित होते हैं वे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहलाते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के होने के कारण। मेटास्टेटिक मस्तिष्क कैंसर का कारण शरीर के अंग से कैंसर कोशिकाओं का मस्तिष्क में प्रसार है। हालांकि मेटास्टेटिक एवं प्राथमिक मस्तिष्क ट्यूमर्स दोनों में सामान्य कोशिकाओं से कैंसर कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन का कारण पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। अधिकांश मामलों में हम यही जानते हैं कि मस्तिष्क ट्यूमर के क्या कारण है। हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये संक्रामक नहीं है। मस्तिष्क कैंसर के लक्षण। मस्तिष्क ट्यूमर का लक्षण ट्यूमर के आकार, प्रकार तथा स्थान पर निर्भर करता है। मस्तिष्क के कैंसर लक्षण के प्रकट होने का कारण ट्यूमर तथा स्नायुओं पर पड़ने वाला दबाव अथवा मस्तिष्क के एक हिस्से की क्षति हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसका कारण मस्तिष्क में होने वाले तरल द्रव्यों के प्रभाव को ट्यूमर द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाना है। इसके अतिरिक्त लक्षण उस समय भी प्रकट होते हैं जब तरल द्रव्यों के बनने के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। मस्तिष्क में ट्यूमर होने के कुछ लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं। सिर में दर्द होना। सामान्यतः यह दर्द सुबह के टाइम काफ़ी अधिक होता है। जी घबराना या उल्टी आना। आवाज़, दृष्टि अथवा सुनने में परिवर्तन होना। शारीरिक संतुलन तथा चलने फिरने की समस्या। मूड, व्यक्तित्व एवं एकाग्रता की क्षमता में परिवर्तन आना। याददाश्त की समस्या होना। सीजर अथवा ऐठन होना। भुजाओं एवं पैरों में सुन्नपन अथवा झुंझुनी होना। ज़्यादातर ये सारे लक्षण मस्तिष्क ट्यूमर के कारण नहीं होते हैं, कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या इसका कारण हो सकती है। यदि आप इनमें से किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं तो आपको अपने चिकित्सक को अवश्य बताना चाहिए ताकि समस्या का पता लगाकर उसका उपचार समय पर किया जा सके। मस्तिष्क कैंसर का पता MRI, CT स्कैन, एनजियोग्राम, स्पाइनल टैप एवं बायोस्पी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। मस्तिष्क में कैंसर होने का पता लगने पर उसके क्या उपाय करने चाहिए? चिकित्सक प्रत्येक रोगी के लिए ट्रीटमेंट प्लान निर्धारण करता है। कैंसर के प्रकार, ट्यूमर के स्थान, ट्यूमर के आकार, रोगी की आयु तथा रोगी की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह प्लान भिन्न भिन्न होता है। अधिकांश मस्तिष्क कैंसर में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एवं कीमोथेरेपी उपचार की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। एक रोगी के उपचार योजना में अक्सर इन उपचारों का संयोजन शामिल होता है। शल्य चिकित्सा के जरिए सभी ट्यूमर कोशिकाओं को निकालने का प्रयास किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी रेंज द्वारा ट्यूमर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। रेडियो सर्जरी एवं नॉन सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें ट्यूमर को नष्ट करने के लिए गामा रे और एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी के अंतर्गत औषधियों के इस्तेमाल से ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी इंट्राथेक अथवा लंबर पंक्चर के जरिए अथवा IV के माध्यम से दी जा सकती है। अन्य पद्धतियों के अंतर्गत हीट ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी तथा स्टीरॉयड जैसे उपचारों को अपनाया जा सकता है। मस्तिष्क कैंसर को दिया जाने वाला पोषण। रोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि वह बेहतर खान पान के जरिए अपना ख्याल रखे। बेहतर खुराक से रोगी बेहतर महसूस करता है तथा उसमें ऊर्जा की अधिकता बनी रहती है। कभी कभी साइड इफ़ेक्ट के कारण ठीक से खाना पीना संभव नहीं हो पाता है।
आपका चिकित्सक एक आहार विशेषज्ञ अथवा समर्थन समूह का एक सदस्य इन समस्याओं से निजात पाने का बेहतर तरीका बता सकता है। एक मरीज स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए कुछ इस तरह के उपाय भी कर सकता है, जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट के द्वारा। फिजिकल थेरेपिस्ट लोगों को ताकत एवं संतुलन को पुनः प्राप्त करने में सहायता करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट ये उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें बोलने, विचारों को अभिव्यक्त करने अथवा निगलने में परेशानी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लोगों को खाने पीने, टॉयलेट का इस्तेमाल करने, नहाने धोने तथा कपड़ा पहनने जैसे दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिजिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट विशेष प्रशिक्षण से युक्त चिकित्सक लोगों को हर संभव प्रक्रिया करने में सहायता करते हैं। फिर लोगों को अपनी खोई हुई क्षमताओं को हासिल कर रोज़मर्रा के कार्यों की तरफ वापस लाने में सहायता करते हैं। रोगियों को मस्तिष्क के ट्यूमर के उपचार के बाद नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। जांच से रोगी के स्वास्थ्य में आने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन का पता चलता है तथा जरूरत पड़ने पर उनका उपचार समय पर किया जा सकता है। यदि समयबद्ध जांचों के बीच किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होती है तो कृपया अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। जांचों में सावधानी पूर्वक की जाने वाली शारीरिक तथा स्नायविक जांचों के साथ ही साथ MRI तथा CT स्कैन भी शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचेगी और कुछ लोगों को कैंसर जैसी भयावह बीमारी से लड़ने तथा बचने में मदद करेगी। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो सबको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मेरी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव को समर्पित।